सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संदिग्ध रूप से बड़ी संख्या में सागर पहुंची ईवीएम मशीन को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। मतदान खत्म होने के 48 घंटे बाद पहुंची इन मशीनों की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने सागर में कलेक्टर कार्यालय की घेराबंदी कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि बिना नंबर के जिस स्कूल वाहन में ये ईवीएम मशीनें पहुंची हैं, उसमें कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कोई सही जवाब नहीं दे पाया। कांग्रेस का आरोप है कि मशीनों में गड़बड़ी करते हुए उन्हें गुपचुप ढंग से स्ट्रांग रूम में जमा कराया जा रहा था। इस पर प्रशासन ने घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV भोपाल।